पहल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। ये जो है असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। टेररिज्म, अपने विरोधियों को खत्म करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना। देखिए सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। खास करके आप वो बीजेपी में है तो पैलेस्टाइन और इसराइल के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्या भूमिका रही है एक बार समझ लीजिए। पैलेस्टाइन की सपोर्ट की भूमिका पवार साहब की नहीं है, देश की है। ये देश की भूमिका है, देश के विदेश मंत्रालय की भूमिका है, हमारी विदेश नीति है। चाहे पंडित नेहरू, इंदिरा जी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, सभी प्रधानमंत्री, सभी सरकारों ने यही भूमिका ली है। ओवैसी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी जो सीट है अमेठी की गिफ्ट की बीजेपी को, 2024 पता चलेगा कौन क्या किसी को गिफ्ट करता है और कौन किसी की बी टीम की तरह अपने आप को किसी और को गिफ्ट करता है।